कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा की गई। उन्होंने इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सोमवार से शुरू हुए टीकाकरण अभियान की भी जानकारी हासिल की। जबलपुर जिले की प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लगातार कोविड से बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मुहैया हो सके और किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पताल आपदा में अवसर न खोजे, इसके लिए भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी से कहा कि जो प्रभारी मंत्री हैं जिन जिन जिलों के, तो मैं निवारी का भी प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ मैंने पहले कर लिया था, जबलपुर में आज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगे थे, ये फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं या नहीं है, मतलब इसके बारे में देखना। दूसरी बात, वैक्सीनेशन, जो आज से हमारे जबलपुर में नया वैक्सीनेशन खासतौर से जो युवाओं का, किशोरों का शुरू हो रहा है, तो उस वैक्सीनेशन की भी चर्चा करनी है। और इसके अलावा आज मैंने कलेक्ट्रेट में बैठक भी रखी है, तो बैठक में समीक्षा करेंगे। खासतौर से सिंगल पॉइंट का एजेंडा है, इसमें हम कोविड के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस जिले ने लिए हैं, अधिकारियों ने लिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट सहित और भी जो संबंधित विभाग, उन्होंने क्या इसके बारे में पूर्व तैयारियां की हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।